दर्शकवृन्द नमस्कार, अपन विशेषमे स्वागत करै छी। अखन एकटा चलचित्रके बहुत चर्चा छै, ओ चलचित्रके सेंसर बोर्ड रोकि देने छै, किछु दृश्य काटला कहि रहल छै। मधेसी पुत्र दू नामक चलचित्रके सेंसर बोर्ड अखन रोकि देने छै। एहि विषयके लऽ कऽ विभिन्न ठाउँमे प्रदर्शन सेहो भऽ रहल छै। किछु दिन पहिले राजविराजमे प्रदर्शन भेल छलै, तऽ आइ जनकपुरमे सेहो प्रदर्शन भेल छै। आब निकास की छै, तऽ सेंसर बोर्ड एहि चलचित्रके रोकि देने छै, एकर निकास की छै, तऽ आइ एहि विषयमे चर्चा करऽ जा रहल छी। एकर लेल आइ हमसब स्टूडियोमे बजौने छियै एहि चलचित्रके निर्माता उदित नारायण शाहके। शाहजी, कार्यक्रम स्वागत करै छी। नमस्ते, धन्यवाद। जेना मधेसी पुत्र दू जी, ई चलचित्र सेंसर बोर्ड रोकि देलक जी। जी, मधेसी पुत्र टू मे खास करके एहिमे कुछ सीन सीके राउत जी के कैरेक्टर, मतलब सीके राउत के व्यक्तिगत जीवन संगे मिलदो जुलदो छै। सीके राउत खुदे ओहि फिल्म में नहीं छै, सीके राउत के कैरेक्टर एकटा कलाकार करने छै। मेन रीजन ओ छै एक नम्बर। दुई नम्बर में जना अपना सबके मधेश आंदोलन भेल रहे, ई फिल्म खास करके मधेशी मुद्दा के आधार में बनला फिल्म छै, मधेशी राजनीति के आधार में बनला फिल्म छै। ई फिल्म में मधेशी शहीद सबके जे टाँपो में गोली लागल रहे, तो ओहि चीज के हम सब ई फिल्म में रूपांतरण करने छी। ई दुईटा मेन रीजन छै। सेंसर बोर्ड कहि रहल छै जे सीके राउत के जते भी सीन छै ओकरा काटि के फिल्म से हटायल जाओ। दोसर बात कहि रहल छै जे मधेसी शहीद के जे टाँको में गोली लागला अहाँ देखेने छियै, ओ हटायल जाओ। मतलब केहन किस्म के दृश्य सब छै, दृश्य सब पर मतलब सेंसर बोर्ड ई से हटाबऽ कहि रहल छै कि ओहन शब्द सब किछु छै जे हटाबऽ कहि रहल छै, डायलॉग होतै ओहिमे? ई शब्द सब तऽ हटाबै लए हमसब अपने तैयार भऽ गेल छलियै। हम कहलियै जे अपने सब के कोन शब्द त्रुटि बुझाबैया, कोइ सिखना विभेद वाला बात, जना मतलब जे सीके राउत जी के प्रमुख मांग छै, जना नेपाल से मधेश देश के छुट्टे करऽ पड़तै, अलगियाबऽ पड़तै, तेहन टाइप के एहि फिल्म कतौ कोनो शब्दे यूज नहि भेल छै। हम वएह बात कहली सेंसर बोर्ड के जे अहाँके कोन शब्द मे दिक्कत बुझाइए हमरा कहल जाउ, हम ओकरा म्यूट करि देबै। लेकिन सेंसर बोर्ड डायरेक्ट रूप में कहै छै ओकर प्रसंग फिल्म में हालैये नहि मिलतै, ओकर प्रसंग पूरा काटिये घटाबऽ पड़तै। एहिमे जे सीन कहलियै, एहिमे बेसी नहि 10-15 मिनट के सीन पूरा देखबै तऽ सीके राउत के मात्रे जुड़ल छै। एहिमे एकटा नायिका जे रहै छै से पत्रकार रहै छै, ओ सीके राउत जी संग इंटरव्यू लेने छै। ओ इंटरव्यू में पूछल गेल छै जे सर तपाईँ अमेरिकाबाट केना अनुभव नेपाल। मतलब अहाँ ई कहऽ चाहै छियै कि डॉक्टर सीके राउत के जे अभियान छै, ओ अभियान के प्रोत्साहन करऽ वाला बात ओहि चलचित्र में नहि छै, से अहाँ कहि रहल छी? हाँ, डॉक्टर सीके राउत जी के जे अभियान, मेन अभियान छै, ओकर प्रोत्साहन करै वाला कोनो बात नहि छै। लेकिन जहाँ तक हमरो के ई फिल्म मधेश नहि, तऽ अगर ओ नहि छै तऽ की छै ओहिमे? ओहिमे खास करके छै कथी, तऽ मधेश के मुद्दा मे जे आधारित फिल्म बनल छै, तो मधेश भीतर सीके राउत जी आबै छै एकटा बात, ताहि कारण से सीके राउत जी के हमरो के जोड़ के ई फिल्म बनेने छियै। दोसर बात, सीके राउत स्थापित केना के भेलै, तऽ ई मधेश मे सीके राउत स्थापित केना के भेलै? बिना वजह सीके राउत जी के डॉक्टर साहब के प्रहरी अरेस्ट करलकै, और ओ जते दमन करलकै ओते ओ स्थापित भेल, एकटा चीज ओ झलकायल गेल छै। दोसर चीज अहाँ के ई सीके राउत के जन्म केना के भेलै, जनता सीके राउत के मधेश में मानै छै कि नहि मानै छै एकटा ठाम छै ने, लेकिन जना ई मधेश के सवाल में मधेश के जे संविधान संशोधन करय वाला बात रहै, मधेश के जे हक अधिकार के बात रहै, यदि ई नेपाल सरकार सुरक्षित कर देतियै तऽ सीके राउत के जन्मे नहि हेतियै। ई दुईटा बात झलकाबै के प्रयास हमरा के ओहि फिल्म में करना छै, ना कि ओकर जे ओकर मांग छियै, जे प्रमुख बुंदा छियै। तो अहाँ सबके चलचित्र डॉक्टर सीके राउत के जे एजेंडा छै
ओकरा एग्री नहीं करे छे ओई के ओई हिसाब से नहीं ओहन किसी ने नहीं बनाएल गेल छे से करल छे एकदम ओई फिल्म में सीके राउत के जे योजना छे सीके राउत जी के जे मूल डिमांड छे ओकर ए बीच ए फिल्म में खास से कतो सीके राउत के जन्म किया भेले हां सीके राउत के जन्म किया भेले मधेश में तो सीके राउत एकटा राष्ट्रीय छवि बनाएल आदमी तो छिए तो ओकर जन्म किया भेले ककर कारण से भेले कोन रीजन से भेले ई चीज हमरो के झलकिया वाला खोजना छिए मेन सिक्योरत में आधारित फिल्मों ने से मेन जे मधेश का राजनीतिक घटना सब से जे आंदोलन वाला विषय सब रहे ओकरा संगे जोड़ के ई फिल्म बनल छे जी तो एकर किछ मतलब ए फिल्म में जे कथा वस्तु सब छे से सब तै विषय में किछ कहल जाए किछ की छे में खास एकटा जे अपने कहले सिक्योरत के बात सब छे और जे मधेश आंदोलन के बात कहलिए और की छे में ए फिल्म में प्रमुख त मधेशी पुत्र वंश मधेशी पुत्र जे फर्स्ट बनल रहे ओकरा जोड़ के मधेशी पुत्र टू बनल छे एकर मेन फिल्म के जे एकटा भाव छे ओई में एकटा मंत्री रहे छे ना मंत्री पहाड़ी समुदाय से रहे छे ओकर एकटा बेटी रहे छे बेटी पत्रकार रहे छे और अने हीरो रहे छे तो ऊ पत्रकार रहे छे तो ऊ मधेश प्रति ओकरा बेसी लगाव रहे छे आ ओकरा नायक के और नायिका के जखन भेट होइ छै उ दुनूटा के एकटा लव स्टोरी एकदम उमंग किस्म के राजनीतिक विषय वाला मात्र फिल्म नै छै एमे एकटा लव स्टोरी झलका लगै छै त ई दुनू आदमी के प्रेम होइ छै और प्रेम भेला के बाद प्रेम प्रसंग अगाड़ी बढ़ै छै तहिने ते अहाँ के जे मधेश मे जे अखुनका राजनीतिक अवस्था छै जे आंदोलन के सीन सब छै से सब देखायल गेल छै हाँ अंतिम मे ई जे हीरो रहै छै जे मेन नायक कहै छै अपना सब नायक रहे छे तो एकर लास्ट टाइम में जे ई नायिका के हीरो के हीरो संगे लव पड़ला के कारण से ओकर बाप के ई ओकर फादर के ई बात मान्य नहि छे तकर बाद उ अपने फादर संग टीवी के ई पत्रकार रहे छे अपने फादर संग इंटरव्यू ले छे तो मधेश के सवाल में बहुत जोरदार मांग के विषय में ओकर सवाल में बहुत क्वेश्चन करे छे ओहि कारण से ओकर ओकर पप्पे ओकर फादरे ओकरा मरावेल खोजत रहै छै जी ई सब छै कथा एहि मे ई कथा सब जोड़ल छै जी जेना अपने कहली डॉक्टर सी के राउत के कोनो भी किस्म से प्रमोट हिय वाला ओहन किसी के बात अगर नै छै त सेंसर बोर्ड किया रे करल छै सेंसर बोर्ड त डायरेक्ट रूप में ही कह रहल छै सर जे सी के राउत जी क दुटा बात कहने छै सेंसर बोर्ड अपने कहली जेना सेंसर बोर्ड दुटा बात कहने छै एटा डॉक्टर सी के राउत के जते बात सब हटाएल जाए हां ओकर प्रसंगे नै रहल सर मधेश आंदोलन के जे विवश दृश्य सब रखने छै हां विवश दृश्य जना विवश दृश्य ओहन खास नै छै जे ई गोली जे मारना छै शहीद के टाउको में जे गोली मारला सीन जे देखल छै ओ एकटा नेता के सपना में आबै छै कि ओ शहीद सब आ ओ नेता के समझाबै छै सर हम सब मधेश के लागि बलिदानी दे के शहीद भ गेलिए मन मधेश के नाम शहीद भ अथि छै मतलब कि ओहन दृश्य सब नै देखल जाय संसार जगत में चलचित्र हो या कुछ हो ओहन दृश्य सब नै देखल जाय छै त ई दृश्य सब किया रखली अहाँ सब देखियो हमरो के जे टाइम में फिल्म बनाबै छलिए ओहि टाइम हमरो के फिल्म एकटा सामाजिक एना छै कहि के बुझलिए ओहि बात के आ वास्तव में राजनीतिक चीज से जुड़ल बात की छले ओकरा हमरो के पछताएल कतौ न कतौ खोजना छै आब ई प्रहरीय ठाके शहीद के गोली मारे छै तेहन किसिम के कोनो सीन नै छै नेता के एकटा सपना में आबै छै तीन चार जना के समूह रहै छै शहीद के ओ बेसी में 10 सेकंड के सीन छै बेसी में 10 सेकंड के सीन ओ तो ऑब्जेक्शन छै वास्तविकता यदि मधेश घटना में देखल जाय त मधेशी शहीद सब के टाउको में गोली तो लागल छै वएह चीज हमरो के नेपाल सरकार गोली मारित कला मतलब जे टाइम में आंदोलन भेल रहे गोली तो लागल रहे वही चीज हम लोग फिल्म में रूपांतर कर लिए जी जना कि चलचित्र जे बनाओल जाए छे तो वही में जना अपने कोनो घटना से जुड़ल रहे छे कोई सत्य घटना रहल या कोनो रहल लेकिन जना कैरेक्टर के नाम सब जना अपने रखने छी जना कि डॉक्टर सी के राउत कहकर राख देने छी त ई सब किया मतलब कैरेक्टर के नामो ओहे के राख देने छी एना किया देखियो सर सबसे पहले तो ई बुझ पड़ल जे अपना सबके मधेश में चलचित्र ओते अगाड़ी नहीं गेल छलै ई अहाँ के नॉर्मल जे मधेश में जे फिल्म आर बने छै ओकर हिसाब में कनिक बेसी बजट के फिल्म छै जे कि हमरा लागे छै मधेश में ओते बजट के फिल्म बहुत कम मात्रा में आबै छै येबो करै छै त पर्दा तलिक अखन तलिक खासे फिल्म नै आयल छै और एकटा मधेशी समुदाय खोज की रहल छै त
हम फिल्मी टा बनेबे पर्दा में लगा देबे दर्शक देखे ले जेते तो वो बात मान ले तो अपन ई फिल्म चलते कते दिना ई क्षेत्र के विकास हेतै केना कर कनी जनतो जनतो फिल्म देखे ले जाए ओ हिसाब से ओहन कैरेक्टर सब के नाम राखल गेल छ नै त ई त अहाँ सब के त जना के चलचित्र जे कोनो बनाओल जाय छै त पहिले अहाँ के स्क्रिप्ट देल जाय छै ने सेंसर बोर्ड के से पहिले स्क्रिप्ट पास होय छै तै के बाद चलचित्र बनला के बाद फिर ओहे प्रोसेस छै त स्क्रिप्ट की छलै य आ तै के बाद बनलै केहन स्क्रिप्ट हम सब जे नेपाल सेंसर बोर्ड में पेश कर लिए तो जहे स्क्रिप्ट पेश कर लिए वहे स्क्रिप्ट अनुसार फिल्म बनल छै वहे चीज हम सेंसर बोर्ड से बुझे ले चाह रहल छी जे अहाँ जे टाइम स्क्रिप्ट ले लिए तो वही टाइम ये चीज रोक दीजिए तो आई हमरो कते बड़का लगानी तो नहीं हेतिए मतलब स्क्रिप्ट या पास कर देलक सेंसर बोर्ड स्क्रिप्ट वही टाइम में पास कर देलक तकर बाद हमरो के फिल्म मतलब स्क्रिप्ट में कोनो फेरबदल अहाँ सब नहीं केने छी कोनो फेरबदल नहीं करना छै आ जे कनी मनी फेरबदल करनाइयो छै तो ओहि में सेंसर बोर्ड के आपत्ति नहीं छै तो ऊ त विवादित विषय नै भेलै आ विवादित विषय भने के सिकेरो जी बला एकदम प्रष्ट रूप में स्क्रिप्ट नै त स्क्रिप्ट त तैया देखने होते ने सेंसर बोर्ड के में की छै की नै छै हर बात देखने होते जी त तैया की त अहा सब कैरेक्टर नै रखने होय ऊ नै या रख लिए त सेंसर बोर्ड तैया मतलब पास कैला करके सिकेरो हां वह दुईटा बात छै जे हम हमरो के यहाँ कह रहल छियै अहा सेंसर बोर्ड हम यहाँ कहलियै जे अहा ओहि टाइम में हमरा के त स्क्रिप्ट देलियै दर्दा कर लेलियै तो ओहि टाइम अहा की देखलिए स्क्रिप्ट में अहाँ वो स्क्रिप्ट निकालू सिक्के रोत के पर्सन संग जोड़ला स्क्रिप्ट निकालू वही में एको पैसा तल माथी छे तो हमरा कहू एक बात दोसर बात कहे छे जे ठीके छे वही सीखना तो की छे सबसे पहले सर एक जे अपना सब के देश में कतौ न कतौ पहाड़ी समुदाय पहाड़ी प्रशासक और मधेशी जनता के बीच में एक विभेद छे वही सीखना हमरा एकदम फील भेले वह बात हम वैसे दर्शाबे खोजलिए अहाँ पहले स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में सेम छे तो अहाँ के पास करे पड़त नै दोसर गप अहाँ जे मीडिया पत्रकार साथी सब के फिल्म देख दुई चारटा राजनीतिक कर्मी सब के फिल्म देख आ तकर बाद यदि ऊ कहि दे नै इनीहरू के फिल्म खराब छ गलत छ देश विरोधी छ भने हामी बैन गर्न तयार छौ त अहाँ चीज के विभेद से जुड़ल छी सेंसर बोर्ड अहिला पास नै करल छै कि मधेशी के देख के जे दृष्टिकोण छै ऊ हिसाब से पास नै करल छै से करल छै एकदम 100% सर ऊ हमरा कतौ न कतौ सेंसर बोर्ड में एकदम फील भेले महसूस सेंसर बोर्ड त सामान्यतः इहे देखै छै कि मतलब समाज में अगर कोनो चलचित्र छ समाज के अगर कोनो मतलब खराब असर करै छै त ऊ चलचित्र नै देखाल जाय उहे में सेंसर बोर्ड देखै छै त अहाँ कोन हिसाब से कहि रहल छी कि ई चलचित्र ओहन किसिम के नै छै सर शायद अपने नेपाली फिल्म देखने हेबे भैरव ओहि फिल्म में मधेशी के कते एकटा नेगेटिव हिसाब से देखेने से जाय मधेश खाओ मधेश टाइप के सब सब यूज करने से मानले ओय टाइम में पहरिया पहाड़ी शासक और मधेशी समुदाय के नेगलेक्ट करे वाला शब्द छे ओय फिल्म में फिर सेंसर बोर्ड क्या पास करल के एकटा बात दोसर बात ई त मधेशी के राजनीतिक में जोड़ला फिल्म छे जी अइ में त काल्पनिको से बड़का बात रियल स्टोरी जे छे एकरो के एकटा हमरो रचना करके मिला के बनायल गेल फिल्म छे दोसर बात अहाँ कांतिपुर टीवी से देखियौ एकटा मिठाई लाल यादव के प्रोग्राम आबै छै मधेशी भाषा के केना के बंगिया के ओ सब कहै छै जे शब्द हम यहाँ कहियो बोलने नै छियै ओना कहियो मधेशी भाषा बोलबो नै करै छै कते नगलेट हिसाब से नगलेटिव हिसाब से प्रस्तुत करै छै यदि सेंसर में विभेद नै छै त ओ चीज सबके पास के कथिल करै छै एकटा बात दोसर बात जे देश में समानुपातिक बात के जे बात छै समानुपातिक हिसाब से संरचना करबै से गप से हमरो एकटा मांग हो छै आ सेंसर बोर्ड में समानुपातिक हिसाब से मधेशी समुदाय के समावेशी कथी लेने छै एक त ऊ सब यथार्थ बात बुझबे त फिल्म भोजपुरियो भाषा में छै किछ मैथिलियो प्रसंग में जोड़ल छै किछ नेपालियो प्रसंग में जोड़ल छै ई तीनों भाषा के मिश्रण छै तीनों भाषा के मिश्रण छै मेन भोजपुरी छै आ मैथिली नेपाली हल्का हल्का जोड़ल छै त ओहिसे कि ना त भोजपुरी आ मैथिली हमरा नै लागै छै ऊ सब जे बुझ नहीं हेते नहीं मतलब भाषा नहीं बुझल के ओहो कारण से हमरा एकदम ई चीज को नहीं तो ई सलाह नहीं होबे ने आ सब की भाषा पहले आ सब पहले ओई भाषा विद के बोलाओ ते के बाद देखू ते के बाद को निष्कर्ष ओ सब तो सीके राउत के नाम जखन ते सुनल के तखन ते कल के जे पूरा प्रसंग हटन ओई मग जे फिल्मी लाइन संगे जुड़ल जे फिल्म चलचित्र संघ के जे आदमी रहे मतलब ऊ एकटा प्रोड्यूसर के एकटा डायरेक्टर के कतौ न कतौ हमरा ई बुझेले जे दुख ओकरा महसूस भेले
ऊ यी बात सब राख्बो गरल कि यो फिल्ममा नर्मल कुरा हो तपाईँलाई सिके रथसँग प्रब्लम छ भने यो भन्नु कि नाम चेन्ज गरिदिन त्यहाँ एनी बडी के नाम पिके रथ राखिदिन्छ डिके रथ राखिदिन्छ के राखिदिन्छ तर यो सिके रथको पर्सनल यी प्रस्ताव ऊ सेन्सर बोर्डमा जे नेपाली चलचित्र फिल्म सेन्सर बोर्डके जे दुईजना सदस्य रहेछ उहाँको सेन्सर बोर्डमा त ऊ प्रस्ताव उहाँ राख्नु थियो त तब ओकरो मानेवाला नै फेरि दोस्रो राउन्डमा हाम्रो फेर लगेल रहे होइन उहाँको सेन्सर बोर्डमा त ओही टाइम हाम्रो डिके रथ लगेलियै डिके रथ रेकर्डिङ कराएको लगेलियै लगभग नै कुसो त 1.5 लाख रुपियाँ ऊ सेन्सर फेल गर्लाको बाद फेरि हाम्रो खर्च गरिक त फेर लगेलियै सेन्सर बोर्डमा ऊ कहिले होइन सिके रथ र डिके रथसँग सिके रथको भाव झल्किन्छ यो हामी राख्नै दिँदैनौँ यसलाई हटाउनै पर्छ यो पुरा सिनै काट्नै पर्छ विशेषता ओकर जे बात ओकर जे व्यक्तिगत जीवन सँग रिलेटेड चीज नै होना चाहिए कुछो नै होना चाहिए हम ई कहै छियै जे देशको विखण्डनकारी शब्द कतौ तपाईँहरूलाई त्यस्तो शब्द कतै फिल हुन्छ भने हामीलाई भन्नु हामी त्यो शब्दलाई म्युट गरेर जान्छौँ अलिकता पनि हुन्छ भने भन्नु म्युट गरेर जान्छौँ तर त्यो पुरा सिनै काट्न नभन्नुहोस् तपाईँहरू सिन काट्यो भने त्यो फिल्मै रहँदैन त्यो फिल्ममा के बाँच्दै बाँच्दैन हामी चलाउने के जी त जेना कुनै पनि चलचित्र बनाउन जाइ छ त चलचित्रकै कहल जाइ छ कि समाजकै ऐना छ जी कि त समाज अनुसार समाजमा जे घटना होइ छ ओहिपर चलचित्र बनाओल जाइ छै कि तऽ चलचित्र एहन बनाओल जाइ छै कि ओ ओहिसँ सन्देश लऽ लै छै समाज से होइ छै मतलब सन्देश लऽ लै छै या कोनो चलचित्र ओहिसँ मतलब चलचित्रसँ समाज जागरूक भऽ जाइ छै से होइ छै तऽ आब रहलै कि दुट्टामे सँ मतलब अहाँसबके जे चलचित्र हैब मधेसी पुत्र 2 तऽ ई कथी कहि रहल छै मतलब समाजके निर्देशित कऽ रहल छै कि समाजसँ निर्देशित चलचित्र छै समाजके निर्देशित कहि रहल छै एकर जे मूल मर्म छै फिल्मके ओहिमे प्रष्ट रूपमे झल्कायल गेल छै जे हामी हामी सबै नेपाली समाजमे जे घटना सब भेलैए तेकरा प्रतिबिम्बित करै छै अहाँ सबके ई चलचित्र कि चलचित्रसँ समाजके कोनो दिस लऽ जाके मतलब होइ ने एकटा तऽ से सन्देश देबऽ जाइ छै बुझि गेलियै हम ई जे समाजमे बितला घटना छै ने ओकरे ठ्याके प्रतिबिम्ब राजनीतिक मुद्दामे खाली राजनीतिक मुद्दासँ मात्रै जोडल चीज छै मेन त जी आब तऽ सन्देशो दै छै ने चलचित्र एकटा त भेलै कि समाजमे जे घटना भेलै से लै छियै आ ओहि लऽ कऽ चलचित्र बनाओल जाइ छै नहि आब कि सन्देशो दै छै चलचित्र तऽ अहाँ सबके चलचित्र छै मधेसी पुत्र 2 तऽ सन्देश की दै छै एकर मेन सन्देश एकर मेन भावना बुझबै यदि अपने सब फिल्म देखबै तऽ एकर मेन भावना एकैटा छै जे हामी हामी सबै नेपाली हौँ पहाडी मधेसी कहि कऽ यी फिल्म छुट्याले नै गेल छ नहि त यी फिल्ममा मधेसीद्वारा पहाडीके गाली गलौज या पहाडीद्वारा मधेसी गाली गलौज एहन कोनो बाते फिल्म नै छै लेकिन जे मधेससँग जे जोड़ला बात छियै राजनीतिक मुद्दा ओ छोड़लो नै गेल छ एकर मेन मूल मर्मे छै फिल्मके हामी सबै नेपाली हौँ विभेद किन यदि हामी नेपाली हौँ भन्ने हाम्रो जुन हक अधिकार छ जुन संविधान संशोधन कुरा छ त्यो तपाईँहरूलाई गर्नुपर्छ एकर मेन मूल मर्म यी छ फिल्म मतलब समाजके तोडके बात नै केने छै से गरल छै जी जी एको पैसा एहिमे सामाजिक जे एकटा सद्भाव अपना सब कहै छै ओ खलबलाबैवला कोनो भी समाजसँ या कोनो भी समुदायके ठेस पुगैवला बात एहि फिल्म नै छै यदि नेपाली दर्शक सब ई फिल्म देखतै तऽ ई फिल्म मधेसी पुत्र नाम मात्र राखल छै मधेसी पुत्र नाम पे नै छ ओ नामसँ अहाँ सब नै झुकियौ ई त मार्केट हमरा सबके मधेसके मार्केट मेन मेन मार्केट बनाकऽ हमसब फिल्म बनेली तै खातिर मधेसी पुत्र ई फिल्मके नाम छियै लेकिन एहिमे मधेसी पहाडीवला विभेदवला कोनो गपे नै छै एको पैसा पहाडीके नै होचियावला नै मधेसीके होचियावला लेकिन फेर हम इहो बात जोड़ै छी जे मधेसीके राजनीतिसँग सबै जोड़ल बात छै मधेसीके राजनीतिसँ जोडल बात चाहे डाक्टर सिके रथके होइ चाहे आओर कोनो बात होइ सबके आन्दोलनके बात है सब समटल छै जी जेना कहलिए डाक्टर सिके रथके जे अभियान छै ओ विषयमे नै छै सिके रथ एहि विषयमे कोनो चर्चे नै छै फिल्म जी तऽ दर्शकबिन अखन ब्रेक लऽ रहल छी ब्रेकके बाद आ फेर बातचीतके क्रम जारी रहत
ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में। जेना कि मधेसी पुत्र टू चलचित्र सेंसर बोर्ड एकरा रोक देने छै, किछ दृश्य सब हटाव कर रहल छै, एहि विषय में चर्चा कर रहल छी। तऽ हमरा सबके समक्ष छै मधेसी पुत्र टू के निर्माता उदित नारायण शाह। जेना उदित जी, आप तो बना लेली अहाँ सब चलचित्र, सेंसर बोर्ड रोक कर रहल छी, 15 मिनट के कहली नहीं विजुअल हटाव कर रहल छी सेंसर बोर्ड, करीब करीब 15 मिनट के। तो अगर ओतेक अगर चलचित्र के जे हटायल जाए छे तो की रहते, मतलब ओना का निकास के बात करी, निकास केना होते, एकर निकास की छे? एकर निकास तो हमर हिसाब में एकदम अपना सब के जे प्रमुख दल के जे शीर्ष नेता सब छे ओकरो के ए फिल्म के बारे में कुछ बज दिए पड़े, देख दिए पड़े। हम ए कार्यक्रम से नेपाल के सम्पूर्ण बुद्धिजीवी पत्रकार राजनीतिकर्मी के इहो अपील करे चाहे छे कि कम से कम एकदा मधेसी पुत्र टू फिल्म बुद्धिजीवी पत्रकार और राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब बैठ के एकदा देखल जाओ। यदि अपने सब फिल्म देख के आ कह देवे जे नहीं ई वास्तव में देश विखंडनकारी कोनो बात छे, एकरा रोक दियो या हटा दियो, तखन हम हटा देवे। नहीं तो हम जे मांग रखने छे, जे बात हम लोग कह रहल छी, हम सब सीन नहीं हटाएब, अहाँ के सब मेरी कतौ प्रॉब्लम यद हमरा कहो, हम म्यूट करके दे तैयार छे। हम लोग ओहिमे एकदम अड़िग छे, ओकर लागि संघर्षो करे लए तैयार छे, संघर्ष तऽ भइए रहल छे। जेना राज विराज में एकटा कार्यक्रम भेलै जे कि स्वतफूर्त रूप में आम जनता रोड में अयलै, हम सब सोचने नहि रहियै ओहि मास में रोड में अयलै, एहि सिग्नाय हम जनकपुरो अयलियै। तऽ हम ककरो कोऑर्डिनेशन व्यक्तिगत हिसाबमे नहि करने छै, एहि सिग्नाय आम जनता, आम साथी सब, कैंपस में पढ़े वाला युवा सब, ई सब फोन करके विरोध कार्यक्रम करब पड़ते सर, अपने आयल जाओ, अपने की उपस्थिति अनिवार्य रूप में चाहिए, तब ना हम सब कार्यक्रम। नहीं तो अतेक दिन से तो विरोध कर रहा ना सब, तो की भेले, मतलब परिणाम की निकलले, मतलब सेंसर बोर्ड नहीं मान रहा है, तो आप वहाँ सब करबे की, कते लगानी छे चलचित्र में, कते लगानी लागल छे एहि चलचित्र में? अखनी तलिक में 35-37 लाख रुपया खर्च भ चुकल छै जी, तो ओतेक लगानी तो लग गेलै जी, तो आब की करबै? सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहल छै, जेना अपने कहल कि मधेसी दल के शीर्ष नेता सबके देखेबै, तो आब मतलब अहाँ चाहै छी कि दबाव सृजना करी, एकदम जी सर, दबाव सृजना करी, और ओ दबाव सृजना के बाद जे रिजल्ट एतै मधेसी दल के शीर्ष नेता सब ओ फिल्म देखो, पत्रकार साथी सबके आग्रह छै जे एकदम अपने सब फिल्म हमरा जतऽ कहते, जे घर में कहते, जे सिग्ना कहते, लैपटॉप में कहते, टीवी में कहते, मोबाइल में कहते, हम हर चीज में फिल्म देखा ले तैयार छी। उ सब डिसीजन निकाल के दो, यदि वास्तव में ई फिल्म में देश डिसीजन तो अहाँ के अल्टीमेटली तो अहाँ के सेंसर बोर्डे करते जी, नहीं जी, तो आप मान लो ओतेक लगानी भ चुकले अहाँ सबके, आ ओ दृश्य ओतेक काटक कर रहल छै, आ सेंसर बोर्ड नहि मारि रहल छै, अहाँ सब कहि रहल छी कि विभिन्न ठामसँ दबाव सृजना कऽ रहल छी जी। आ जेना अपने शुरूमे तखन कहलियै कि विभेदके कारण एना भऽ रहल छै, तऽ विभेदके बाद जे अपने कहलियै कि एना एना विभेदके कारणसँ भऽ रहल छै, तऽ एकर अनुभूति अहाँके केना भेल? मतलब ई बात, जेना नेपाली कतेको नेपालियो चलचित्र छै, ताहिमे सेंसर बोर्डमे कड़ा रूपमे प्रस्तुत होइ छै सेंसर बोर्ड, आ कतेक फिल्मके प्रदर्शनी करा दै छै, एहन बहुत घटना भेल छै नेपालोमे। तऽ मतलब जेना अपने कहलकै विभेदके बात है, तऽ विभेदके बात किया अयलै? विभेदके बात एहि खातिर अयलै जे हम ई मधेसी पुत्र टू फिल्म बनेने छी, आ दोसर बात हमसब मधेसी समुदायोसँ पढ़ैवला आदमी छी, ओहि सिकना हमसब जे सेंसर लऽ के गेलियै ने, सेंसरमे जे फिल्म लऽ के गेलियै तऽ बिना बातके बखेड़ा बनेलकै। सिक्के रौत नामके कैरेक्टर छै ने सर, सिक्के रौतके जे मेन मांग छै, जे मेन ओ सिद्धान्तके अनुसारमे चलै छै, ओ चीजके प्रोत्साहन नहि करल गेल छै, तब कथी लए हमरा सेंसर ई बात कहि रहल छै जे सिक्के रौतके सीन काटऽ पड़त अहाँके? ओहि सिग्ना विभेदके बाद हम अपना आपके हमरामे विभेद भेलै, हम नहि सोचबै तऽ कथी सोचबै? कथी लए रीजन कोनो चाही ने, हमरा कारण चाही ने, ठीक छै? सिक्के रौतके नामसँ यदि ओहि सेंसर बोर्डके समस्या छै तऽ हम सिक्के रौतके नामो चेंज करय लए तैयार छी, एनी बॉडी दोसर नाम राखै लए हम तैयार भऽ गेलियै। लेकिन तकर बादो सिक्के रौतके भाव झलकिन छ रे, अब केहन भाव झलकै छै ओकरा सङ्गे पत्रकार मित्र, पत्रकार ओहि फिल्मके नायिका पत्रकार जे रहै छै ओकरा सङ्गे क्वेश्चन करने छै,
जे तपाईँ अमेरिकाबाट किन आउनुभयो यसो पहिले हम कहन छौँ अब ओकरासँग पुछ्न चाहिँ तपाईँ अमेरिकाबाट किन आउनुभयो ऊ कहन चाहिँ म आफ्नो मधेसी जनतालाई मर्न धुलो धुवामा मतलब एक किसिमको जे विभेद भरल छ त्यसमा तकर एउटा संरक्षणको लागि मधेसी जनताको लागि नेपाल याल छ मधेसी याल छ से बातको जवाब देने छु ओहि शब्दमा कत देशद्रोहीवाला बात हमरा झल्कै छ यी बात सब समुदायमे सब पत्रकार मित्र सब छ यी कहिया प्रदर्शनको तयारी चलि आछ हमरा सबके फाल्गुन 18 के रिलिज डेट लगभग फिक्स गरि लेने रिए लेकिन अखन त अब सेन्सरमा बाधा अर्चना अयलाको कारण छ अब डेटको त कोनो मायने नै रहले अब यदि सेन्सर पासो होइ छ त नेक्स्ट डेट फेर हमसब घोषणा करबै यदि पास नै हेतै तब त हमसब आन्दोलन छेबे करल छ जी जेनाकि अहाँसब तिनवटा भाषामै चलचित्र बनौलिए त भोजपुरी मैथिली आ नेपाली तिनवटा भाषामा तिनवटा भाषा मिक्स गरिकन एकैटा फिल्म तिनवटा भाषा अलग अलग हिसाबमा डब नै भेल छ जी त मैथिली चलचित्र सबके बात करी तो मतलब ये संख्या सब जे जना अपने सब निर्माता से छे अपने तो निर्माण पक्ष के बात करी तो लगानी करय वाला सब कम अबै छै से एकटा उपरागर चरित्र रहै छै कि लगानी करता सब नहीं छै भोजपुरी चलचित्र बहुत आगा बढ़ गेल छै मैथिली बहुत पाछा छै तो एहि सन्दर्भमे की कह जाएगा अपने एहि सन्दर्भमे मधेशमे सबसे पहले हमरा जे एकटा फील भेल यऽ अनुभव भेल यऽ जे एहि सिकना जे लगानी लगाबै छै ने एहि क्षेत्रमे ओ लगानी उठै लए कतौ ने कतौ समस्या होइ छै ओहि डरसँ निर्माता सब कम बजटमे फिल्म बनाबै छै कम बजटमे फिल्म बनाबै छै तऽ ओ फिल्म आओर कतौ ने कतौ अहाँके खराब बनै छै कथी लए तऽ अखनि जनता हॉलीवुड देखि आयल छै बॉलीवुड देखि आयल छै भोजपुरी फिल्म देखि आयल छै ओहिसँ छोट कहबै तऽ नेपाली फिल्म देखि आयल छै आ ओहोसँ छोट लगानी फिल्म बनै छै तऽ कतौ ने कतौ क्वालिटीमे फर्क तऽ पड़ै छै तऽ ओहि कारणसँ ओतेक लोक मन नहि परा रहल छै लेकिन नेपाली फिल्ममे जे लगानीमे फिल्म बनि रहल छै यदि ओहि लगानीमे मधेसमे फिल्म बनल जाए तऽ हमरा नहि लागै छै जे एहिसँ कमसँ कम निर्माताके नोकसानी तर्फ जेतै या किछु पलसी हेतै ई चीज हमरा एवरी टाइम अनुभूति भेलै लेकिन पहिल फिल्म जी ई हम फर्स्टे फिल्ममे लगानी लगेने छी जी तऽ फर्स्टे फिल्ममे अहाँके एक किसिमसँ कहि तऽ गढ़न लागि गेलै जी गढ़न गढ़नके निकास कहिया तक होतै आपके योजना सब की छै अहाँके आपके योजना सब छै हमरो आरके आइ जनकपुरमे विरोध कार्यक्रम करलिए एक दुई दिनमे हमसब मिर्चैया आओर बीरगंज दुई ठाउँमे विरोध कार्यक्रम करैके योजना बना रहल छै अखनि डेट फाइनल नहि भेल छै आ तकर बाद एकटा डेलिगेशन लऽ के हमसब राजनीतिक कर्मी सबके जे मधेशके मुख्य दल सब छै जेना राजपा भऽ गेलै तहिनाते उपेन्द्र यादव जीके फोरम भऽ गेलै ओहि सबके एकटा डेलिगेशन हमरोके दै लए जा रहल छै बहुत जल्दी तहिनाते कांग्रेसो पार्टीमे डेलिगेशन पठेबै मतलब अखन नेता सबसँ बात नहि कयने छी नेता सब सङ्गे निचला लेवलमे बात भेलै लेकिन नेतो सबके जे हिसाबसँ एकटा सहयोग करना छै ओहि हिसाबके हमरोके सहयोग अखन तक नहि पाबने छै आ ई नेता सबके सहयोग करैके लागि ई कार्यक्रमसँ हम अपीलो करै छी आ ई नेता सबके बैठाके एकदम आ प्लस सेंसर बोर्डोके लोकके बैठाके आ कानूनोविदके आदमी सबके अहाँ सबके जखन सेंसर बोर्ड मतलब कहलक कि ई दृश्य काटऽ पड़तै तऽ जेना अपने कहबो केलिए कि जेनाकि कोनो टेलीविजनसँ एहन किसिमके कार्यक्रमसँ अबै छै जे मधेसीके ओहन किसिम किछु होचैवला जे प्रस्तुत कयल जाइ छै एकटा ओहन किसिमके चरित्र सब तऽ एहिपर की कहलक सेंसर बोर्ड उदाहरण तऽ देने होबै सेंसर बोर्ड कहै छै तपाईँ त्यसको इस्यु लिएर यो फिल्म बनाउनु भएको छ तपाईँ आफ्नो फिल्ममा त्यसको इस्युको कुरा किन उठाउनुहुन्छ मतलब अहाँके कहलहुँ न अपनपनके ओहि सिकना हमरा सबके अनुभवे नहि भेलै एकटा मतलब कथी लए हम ई कहलियै जे सिके रोजीके सीने कथी लए काटऽ पड़तै हमरा चित बुझा दिए न तपाईँहरू मलाई चित भर दिनु म एउटा लगानीकर्ता हो मैले फिल्ममा लगानी लगाएको छु तपाईँले डाइरेक्ट यो सिकेरोदको पुरा क्यारेक्टरै हटाउनु पर्छ यो पुरा सिनै काटेर निकाल्नुपर्छ फिल्मबाट किन भन्नु पऱ्यो मलाई कमसे कम चित बुझ्दो जवाब दिनुहोस् ओकरोले चित बुझ्दो जवाब कुछो नै छ ओहि खातिर हम जे विभेदके बात जे करि रहल छी तऽ ओहि खातिर हमरा विभेदपूर्ण एकटा व्यवहार भेलै ओहि सिकेमा ओ अनुभव भेलै ओहि खातिर हम करि रहल छी सिके राउतके नामे हम अतै तलि कहलियै सेंसर बोर्डमे तपाईँहरू एउटा
देशको प्रशासन मुख्य ठाउँमा बस्नुहुन्छ, एउटा यस्तो नियमै पास गरिदिनु न कि अब मधेसमा बुवा आमाले आफ्नो छोराछोरीको नाम पनि सिके रत्न राखोस्, त्यस्तो कानुनै पास गरिदिउँ कि त यो फिल्मलाई पास गर्नु। फिल्ममा एउटा सिके रत नामको क्यारेक्टर हुन सक्दैन, सलमान खान भन्ने नामै राख्न सक्दैन, यो कुन कुरा हो? तो नाम मात्रै होइन, तो उनकर तो जे जे बात है सब राखिदिने छै नि। एकटा जेना अपने कहली कि आओर विखण्डन वाला बात जे हुनकर अभियान छै, तऽ ओ सब चीज ओहिमे नहि छै, से करल छै अहाँ सेवा सब कतौ नहि छै, विखण्डन वाला बात नहि छै, ओकर जीवन संगे जोड़ल कुछ बात सब हम खोलू ना। सिके राउत जी के जन्म कतऽ से भेलै, सिके राउत जी नेपालमा स्थापित केना भेलै, मधेसमा स्थापित केना भेलै, ई चीजके मात्र झलकाबै लेल खोजल गेल छै। सिके राउत के जन्म किया भेलै, जी हाँ, जन्म किया भेलै, ओ स्थापित केना भेलै, ताहिके बाद जोड़के बात केने, समाज जोड़के बात केने छी जी। समाज जोड़के मतलब सिके राउत जी के प्रसंग ओहिमे मतलब ओ स्थापित केना भेलै, ई मात्र जोड़ल गेल छै कि फिल्ममे। आ जखनी फिल्म जे लिखै छै ने, आ कोनो चीज के बारे में लिखै छै, आब राइटर तो हम नहीं छी, जो राइटर जी से हमरा जे गपशप भेल छै, तऽ आब जेना सिके राउत के प्रसंग जोड़तै तऽ एके ठिना नहि जोड़ाबै छै, शुरू से लऽ के अंत तक कनी 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 टच रहै छै, ओ प्रसंग निकल जेतै ना, निकल देतै। अखन हम यदि अहाँ कहबै तऽ हम अहाँके फिल्मो देखा सकै छी कार्यक्रम के बाद, लेकिन ओ प्रसंग निकल देतै ने, फिल्म कुछ जाने नहि रहि जाइ छै। तब तऽ आइ हम फर्स्ट फिल्म लगानी लगेने छियै, आइ हम डूबबै, हमर लगानी के देतै, ओ फिल्म चलबे नहि करतै 1, 2, 3 जी। तऽ आब मानि लु जेना कहलियै नेता सबके कहबै, मतलब विभिन्न ठाममे कहबै, विभिन्न ठाम अपील करबै, दबाव देबै, अगर इहो दबावसँ नहि समरैए, सेंसर बोर्ड अपन ठाममे टसमस नहि होइए, तब की करबै अहाँ? तखुनका बारेमे अखन तलिक हमरो कोनो एहन फाइनल प्लानिंग तक अखन नहि करने छियै जी, ओकर बारेमे खासै नहि सोचने छियै। जे दबावमूलक कार्यक्रम सब छै से सब हमरो अखन अगाडि बढ़ा रहल छियै। एकटा आओर बात छै जे हमसब कतौ ने कतौ हमरो पर विभेद हर क्षेत्रमे भऽ रहल छै, तहिनाते ई फिल्मो लाइनमे विभेद भऽ रहल छै, कहि कऽ लेटर हमसब यदि ई राजनीतिक दलों से ई दबाव देलाके बाद नहि मानल गेल, सबसे पहिले तऽ राजनीतिक दल सब यदि अपना से फिल्म देख लेतै तऽ ओसबके स्टेटमेंट की छै, ओ सब गलत कहि देलकै यदि, तऽ हमरो ओते चैप्टर ही क्लोज करि देबै जी। जेनाकि दबाव के बात के लिए नेता सब सहयोग के बात करल छै, जेना उदाहरण किछु के अहूँ कहली किछु टेलीविजन से इहो भूमिका सब आबै छै, जेना मिठाई लाल के बात के लिए एहन किसिम के कैरेक्टर सब बहुत टेलीविजन आबि रहल छै, जेकि सीधा मधेसी ऊपर प्रहार छै, नहि एकदम मधेसी ऊपर प्रहार छै, मधेसी के बेइज्जत कऽ रहल छै, मधेसी के बेइज्जत कऽ रहल छै। अखन धरि केओ नेता एहि विषयमे नहि बाजल छै, कते आश कऽ रहल छै कि अहाँ सबके चलचित्र के विषय मे नेता सब बाजत, कतौ ने कतौ ई मधेसी कलाकार सबके कहियौ या मधेसी अगुवा समुदाय सबके कहियौ, ओहो सब कमजोरी छै। आइ तक ई बात कोई नहि उठेलकै, शायद हमसब बात उठेबै तऽ ओकरो ध्यान आकर्षण ओतिर हेतै कि नहि, जानै छै सब, बजै नहि छै, बजै नहि छै, फिल्म देखै छै कि नहि देखै छै, जानै लए जानै छै, लेकिन हमरा लागै छै जे शायद ई भैरव चलचित्र के बात जी जी जी, जेना ई बात सबके सीरियसली तरीका सँ फिल्म देखा कऽ या ओकरो यदि ब्रेन वॉश करल जाए, जे वास्तवमे अपना सब घोचिया वाला बात भए रहल छै, एकर विरोध करऽ पड़तै, एकर विषयमे कुछ बोलऽ पड़तै, तब बहुत नेपाली चलचित्र सब बनल छै। टीवी के बात छिते, जेना मिठाई लाल के बात केलिए, आओर से तऽ छैये छै, जोगिंदर छै, जोगिंदर छै, हाँ, जोगिंदर पान वाला, तऽ ई तऽ भेलै टेलीविजन के बात। जेना फिल्म के बात करी तऽ नेपाली बहुत एहन चलचित्र छै, ताहिमे मधेसी के नकारात्मक रूप में प्रस्तुत कयल गेल छै, लेकिन अहू पर केओ नहि बाजै छै, अहू पर केओ नहि अखनी तक, नहि तऽ एहिमे अहाँ सब की कऽ रहल छियै? जेनाकि अहाँ सब ओहि कलाकारिता क्षेत्र सँ जुड़ल छियै, अहाँ निर्माता छियै ने, तऽ मतलब शुरुआत तऽ अहीं सब होबाक चाही, दबाव तऽ कलाकारे सबसँ होनाइ जरूरी छै ने, किएकि एहि क्षेत्रमे तऽ अहाँ सब छियै ने, तऽ पहिले फिल्ममे लगानी से पहिले हम एहि फील्ड के खास मे आदमी नहि छलिए, इन इन लाइन मे अयलाक बाद, एहिमे लगानी लगेलाक बाद अते चीज सबमे हमरो ध्यान आकर्षण भेलै, एहिसँ पहिले ओते ध्यान आकर्षण नहि छलै हमरा सब, हम इजिली लेने रहियै, जे फिल्म के स्क्रिप्ट देखलियै तऽ स्क्रिप्ट देखिए हमरा लगलै जे नहि ई फिल्ममे ई फिल्म पूर्ण रूपसँ मैथिली भाषामे बनैवला बात छलै, एहिसँ पहिले जे मधेसी पुत्र बनल रहै ओ पूरा मैथिली भाषामे छलै,
तऽ हम डायरेक्टरसँग सलाह करलिए जे अपनेसभ मैथिली भाषामे फिल्म मात्रे बनाइ छियै तऽ अपनासभके मार्केट कम यऽ, एकरा भोजपुरी भाषामे बनायल जाउ ताकि मधेशके अधिकांश जिलामे हमसभ देखा सकै छियै। तऽ ओहन अवस्थामे कनि बेसी लगानी लगाके फिल्म बनेबै तऽ क्वालिटी बढ़िआँ हेतै। तऽ ओहि हिसाबसँ बातचीत करके एकरा भोजपुरी भाषामे बनेलिए। एहि लाइनमे गेलाके बाद एहि बातसभमे हमरोके ध्यान आकर्षण भेल। एहिसँ पहिले हमरा अपने ई बात सभके की करबै फिल्म देखिए, जेना काठमाण्डू हम प्राय काठमाण्डू रहै छियै तऽ काठमाण्डूके हॉल सभमे देखिए मधेश सभके होचियावला सीन आबै तऽ पूरा ताली पड़बै ये हॉलमे, तऽ तखनि तलिक हम ओतेक कॉन्शियस नहि ई आवाज ताली पड़कैत रहै तऽ ई आवाज नेता सभके कानमे किया नहि पहुँचलै। इहो एकटा बड़ा दुखद बात, अखन धरि केओ मधेसी नेता एहि विषयमे नहि बाजै छै, चलचित्रके कलाकारिता क्षेत्रके तऽ छुबे नहि करै छै, कि मधेसी सँग विभेद भेलैए, मधेसीके नकारात्मक रूपमे चलचित्रमे प्रस्तुत कयल जाइ छै, तऽ एहि विषयमे नहि बाजै छै। तऽ आब तऽ बजाबैके काम तऽ अहीँसभ करबै जे मधेसी कलाकार सभ छी अहाँसभ, जे नेपाली चलचित्र क्षेत्रमे स्ट्रगल कऽ रहल छी, मतलब एहि क्षेत्रके विकास करऽ चाहै छी, मैथिली होइ या भोजपुरी होइ चाहे अवधी होइ नहि चाहे थारू भाषाके होइ, तऽ एहि ई भाषाके चलचित्रके जे विकासमे अहाँसभ लागल छियै तऽ अहाँसभ ने दबाव देबै नेतासभ लग, जेनाकि मधेसी पुत्रके तऽ डेलीगेशन लग तऽ जेबे करबै, तऽ इहो बातसँ रखबै कि आओर चलचित्र एना एना भऽ रहल छै की कयल जाए, की करबै नेताजी? एकर विषयमे हमसभ अपनामे बैठके आओर एकदा कलाकार साथी सभ सङ्गे सप्तरीके कलाकार कनि मनि अहाँके 4-5 जना साथीसभ जनकपुरोके छलै राजविराजमे बैठक बैसल छलियै, तऽ ओकर लागि हमसभ पहिले तऽ ई फिल्म पास कराबऽ पड़तै एहिमे केन्द्रित हो। ई फिल्म पास भेलाके बाद आब मधेशके ई जे मधेश राज्य एकटा छुटिया देने छै अपनासभके प्रदेश नम्बर 2, एकर सेंसर बोर्डे एकटा अलग खड़ा करऽ पड़तै। कोनो भी फिल्म बनतै तऽ ओकर सबसे पहिले मधेश सेंसर बोर्डमे फिल्म पास हेतै, तकर बाद एहि जिलामे चलतै। तकर लागि पहल करैके लागि राजनीतिक कर्मी अगुवा सभके हमसभ पूरा दबाव देब। तऽ ई तऽ भेलै नीतिके बात, तऽ एहन मतलब एहन एकटा सोच बनौने छी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आ दर्शकबिन ओ छलथि उदित नारायण शाह, मधेसी पुत्र 2 के निर्माता, जे चलचित्रके सेंसर बोर्ड रोक लगा देने छै, किछु दृश्य सभ एहि चलचित्रके हटाबऽ कहि रहल छै सेंसर बोर्ड, आ एहिके विरोधमे विभिन्न ठाउँमे प्रदर्शन सेहो भऽ रहल छै। आइ जनकपुरमे भेलै, किछु दिन पहिले राजविराजमे सेहो प्रदर्शन भेलै। दबाव देबाक क्रम जारी राखने छै मधेसी पुत्र 2 के निर्माण पक्ष। व्यस्त, नमस्कार।